हेलो फ्रेंड, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं लाभ हानि के इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए क्या दिया है। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम ये चारों संख्या हैं 5, 6 और 3, 4, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 का भाग देंगे, 5, 3, 3, 2, फिर दोस्तों 2 का भाग फिर से देंगे, 5, 3, 3, 1 हो जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 और आखिरी में 5 का देंगे। अब दोस्तों एलसीएम क्या निकल गया हमारा, 2 2 4, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 = 3 और 5, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, ये हो गया 60 एलसीएम निकल गया। अब दोस्तों पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपए में 6 की दर से केला खरीद रहा है, तो 5/6 × 60 ये क्या कहलाएगा हमारा, क्रय मूल्य। और बेच कितने में रहा है, 3 रुपए के 4 की दर से, तो विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, 3/4 × 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 6 ये जाएगा 50, 4 × 4 45, ये हमारा देखिए दोस्तों क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया हमारा 50 और विक्रय मूल्य निकल गया हमारा 45। तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसको हानि हो रही है, हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि कितने की हो रही है, 5 रुपए की। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य × 100। हानि कितने की हो रही है, 5, क्रय मूल्य कितना बना 50, 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 10% की हानि, यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।